देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में आज जनता विभिन्न महिला संगठनों के सदस्य, शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी एवं एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने रक्षित केंद्र जशपुर में उपस्थित जनसमूह एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून में अब धारा 68-69 के तहत पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने का जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धारा 70 के तहत सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 89 के तहत महिला का सहमति के बिना गर्भपात कराने पर आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं, उसी के तहत आज जशपुर में जिला पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस लाइन से लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, महिलाएं, बड़ी संख्या में युवक युवतियां साथ में थे और उन्हें कानून के विषय में जानकारी दिया गया कि किस तरीके से ये तीनों नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और इस बदलाव से जनता पे किस तरीके से असर पड़ेगा, नए कानून में नए प्रावधान क्या है, ये सारी बातों के विषय में चर्चा की गई, लोगों के बीच में जागरूकता के लिए रैली निकाली गई और अभी यहाँ पर जिला पंचायत के सभागार में यहाँ पे शहर के प्रबुद्ध वर्गों के बीच में इस कानून के संबंध में एक जागरूकता और संगोष्ठी भी आयोजित किया गया, जिससे लोगों में इस कानून के प्रति और जागरूकता आ सके।